रहमतों और बरकतों की रात फिर आन पहुंची। शबे मेराज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ आज मनाई जाएगी। इस रात अल्लाह ताला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दीदार कराया और उम्मत मुस्लिमा को 5 नमाजों का तोहफा दिया। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो साहिबे ताज वो शाह मेराज। शबे मेराज वो रात है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया और उम्मत मुस्लिमा को 5 नमाजों का तोहफा अता किया। 27 रजब की मुकद्दस रात की मुनासिबत से घरों में खुसूसी इबादत और जिक्र अज़कार का अहतमाम किया गया है और इस मुकद्दस शब को मुल्क की सलामती, बका और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। शबे मेराज जहाँ आलम इंसानियत को वर्ता हैरत में डालने वाला वाकया है, वहीं ये उम्मत मुस्लिमा के लिए अजीम फजीलत की रात करार दी गई है। इसरा और मेराज के वाकया ने फिक्र इंसानी को एक नया मोड़ अता किया। उसके नतीजे में फिक्र नजर की रसाई को वसत हासिल हुई। ये वाकया पैगम्बर इस्लाम का इम्तियाजी मौजा है। शबे मेराज को महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से आसमानों की सैर करके अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा किया। सफर मेराज के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजख दिखाई गई। आपकी मुलाकात मुख्तलिफ अंबियाए कराम से हुई। इसी सफर में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज भी फर्ज हुई। यही वजह है कि इस शब को खुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाता है। जिब्रील से भी आगे पहुँचे हैं शबे असरा।